भाई क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, पांचवा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे हमने सेकंड किया ना, थर्ड किया सॉरी, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको समझ जाएंगे उसको ना। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये गिवन है भाई, हमको कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता क्या है क्वाड्रिलेटरल, ये लीजिए क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, इसके डायगोनल्स है ना वो इक्वल हैं। अच्छा भाई साहब ये लीजिए इक्वल हैं, ये ए बी सी डी बनाया मैंने, है ना इक्वल है भाई, है ना। चलो ए सी इक्वल टू सी डी बी डी, है ना बी डी हो रही है भाई बात, ये मार्कर भी कुछ भी लिख देता है। नाउ बाइसेक्ट भी कर रहा है, अच्छा जी ये लीजिए बाइसेक्ट कर गया भाई, है ना ये लो बाइसेक्ट कर गया, और 90 डिग्री भी कर रहा है भाई, अच्छा ये लो भाई 90 डिग्री भी कर रहा है, बड़े सब कुछ ही दे रखा है, फिर करना ही क्या है इसमें, हाँ कुछ करना भी है, तब बताओ कि ये स्क्वायर होगा। क्या प्रूफ करना है हमें, इट इज अ स्क्वायर। अब देखते हैं भाई, सुंदर बड़ा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, अब देखते हैं। हमें करना है कि स्क्वायर है, तो सबसे पहले ना मैं इसको और इस ट्राइंगल को लेता हूँ, ये ओ मान लिया मैंने, ओ फॉर ओरिजन राइट नॉट ऑरेंज। अब ये देख लेते हैं, मैंने लिया इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ डी सी ओ डी, ध्यान दो चेक कर लो भाई, चेक करना बहुत ज़रूरी है, सी ओ डी ए ओ डी। नाउ ए ओ इक्वल टू ओ सी, भाई दे रखा है ना बाइसेक्ट है, लिख दो बाइसेक्ट, पहचान में आ जाए चेक करने वाले को, ये 90 लिख दो भाई, ए ओ डी इक्वल टू सी ओ डी 90 डिग्री, ओ डी कॉमन है भाई, नहीं बात समझ में, बात समझ में नहीं आ रही तुरंत ही कमेंट करो, है ना, कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे किस बात को नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये चीज़ देख लेना भाई, ये मार्कर की गलती है सारी, है ना, ये देखो एंगल है। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला 90 दे रखा है, ये इसके बराबर है और ये हमारा कॉमन है, दैट मीन्स एक क्राइटेरिया याद आ गया मुझे, एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू, सॉरी ट्राइंगल था ट्राइंगल सी ओ डी, क्राइटेरिया जरूर लिखूंगा, नहीं लिखोगे तो देन पूछेगा वो, फिर वाई लिख देगा यहाँ पर, भाई ये साइड एंगल साइड है ना, एस ए एस, और वो भी क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से ये हो रहा है भाई। और फिर मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है जब मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ, तो क्या बाई सी पी सी टी, है ना, सी पी सी टी से मुझे याद आया कि 90 के सामने वाला और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो इसमें डी ए इक्वल टू सी डी हुआ, है ना सिमिलरली। इसी प्रकार इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर मैं लूँ, तो बेटा मेरे ये इसके बराबर है, ये कॉमन है और ये 90 है, तो वही हो जाएगा मेरा कि सी डी इक्वल टू बी सी, है ना। एंड इस ट्राइंगल को लूँगा तो बी सी इक्वल टू ए बी, और इसको जब इसको लूँगा तो ए बी इक्वल टू डी ए, है ना। तो कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छे से समझें और उसके बाद नोट करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें ताकि और बेहतर किया जाए, है ना, इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूव बेहतर से बेहतर में हो सकता है, ठीक है ना। जो समझ में ना आए पूछ लेना, ये भाई बी है, बी एक्चुअली मैं ऐसे ही बनाता हूँ, और समझ लें जो नहीं आए मुझे पूछ रहे हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट ए। हाँ भाई दे रखा है डायगोनल, क्या दे रखा है, ये इसे दे रखा है पैरेललोग्राम दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका।
कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, हाँ भाई ये इसके पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब ये एंगल ए बी सी एंड डी है ना, अब ये इसके बराबर है, वन टू लिख देता हूँ, इधर भी मैं लिख देता हूँ क्यू थ्री एंड फोर, लेकिन ये मुझे प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी एल्सो है ना, दिस इज ए सेकेंड ए बी सी डी इज ए रोमबस, कोई बात नहीं देख लेते हैं। प्रूफ फर्स्ट देखते हैं भाई, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन है, लेकिन जब ये ए बी सी डी वैन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देन सी डी पैरेलल टू ए बी है ना, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, बात क्लियर हो रही होगी ये, तब बेटा एंगल थ्री एंड फोर टू एंड थ्री एंगल एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री नहीं होगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री नहीं होगा, क्यों लिख दो यहाँ पे वाई लिखा आता है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, हाँ भाई चेक कर लो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कब जब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी और ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट अगर ये पैरेलल हैं व्हेन एडी पैरेलल टू बीसी, तब ध्यान देना जरा एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर चेक कर लो भाई, ये देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कब जब ये दोनों पैरेलल साइड है, लिख दो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना, अपोजिट भी है। अब मुझे एक बात समझ में आई कि भाई एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है और एंगल टू इक्वल टू थ्री है, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री नहीं हुआ, ध्यान दो भाई मैं इक्वेशन नंबर वन इसको डालता हूँ, इक्वेशन नंबर टू इसको डालता हूँ और इक्वेशन नंबर थ्री इसको डालता हूँ है ना, तो इक्वेशन नंबर वन एंड टू से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देख लो भाई, वन टू की है तो टू थ्री की है, तो एंगल वन थ्री के हो गया और वन थ्री के हो गया, तो ये क्या आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं बन गया, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल, ए डी इक्वल टू सी डी, मार्क की गलती है भाई है ना। अब मैं टू और थ्री से देखता हूँ, टू और थ्री से क्या देखता हूँ कि एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर है, देख लेना भाई, वैसे तो एंगल टू ही रखा है, इसी को देखता हूँ वन को, वन इक्वल टू टू है और वन इक्वल टू फोर है, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर है, देखो भाई वन इक्वल टू फोर दे रखा है थ्री से और वन से, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, तब एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर हुआ, और जब ये एंगल बराबर है तो ये साइड बराबर नहीं होंगे क्या, और ये आपस में बराबर है ही हैं, तब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएंगे, और जब ये होंगे तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, हैंस ए बी सी डी इज अ रोमबस, चेक कर लो भाई है ना, और नोट कर लो, दोस्तों को शेयर करते रहो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, उन्हें ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की है ना, बस नॉलेज लीजिएगा है ना, ये स्टडी पॉइंट है। ओके जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करें, जिनको समझ में ना आए वो कमेंट करें, और जिसको समझ में आए वो ज़रूर कमेंट करें। चलिए नोट कर लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी में देखेंगे, ए ओ डी में हम देख रहे हैं ना ए बी एंड इस ट्राइंगल में ए डी, ठीक है बराबर है क्योंकि रोम बस है हमारा। सेकेंड थिंग्स हम ये देख रहे हैं ना
इस ट्राइंगल का ये ना बी ओ ए या ए ओ बी, तो मैं ए ओ बी करता हूँ, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल की बात करूँगा तो ए ओ डी करता हूँ। ये दोनों ट्राइंगल है ना, ये वाला ये और ये वाला ये, ये 90 डिग्री है। और नेक्स्ट ये लाइन ना ए ओ कॉमन है, देखो ये कॉमन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कॉमन है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की कि ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी होगा भाई, बट किस क्राइटेरिया से होगा भाई? आर एच एस एंड क्राइटेरिया। किसी को कोई डाउट है क्या? फिर से ध्यान दें बेटा, 90 डिग्री के सामने तो ये है, ठीक है ना। तो राइट एंगल तो ये हो गया और इसके हाइपोटेनस ये हो गया और एक साइड कॉमन है, दैट्स वाई आर एच एस हो गया ना। तब इस क्राइटेरिया से ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्या? सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने क्या देखा, जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमने एक चीज़ देखी कि ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ए डी ए ओ इक्वल टू ए सॉरी बी ए ओ, बी ए ओ क्या देखा हमने कि एंगल ए इज बाइसेक्टेड बाय एसी, एसी के द्वारा इसको किया गया है। सिमिलरली क्या होगा कि एंगल बी की बात करूंगा तो इस ट्राइंगल को लेना है और इस ट्राइंगल को लेना है। वेरी सिंपल मैं समझा देता हूं आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल है एंड ये वाला कॉमन है, तो भाई आर एच एस क्राइटेरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। और जब ये होगा ना तो भाई सी पी सी टी ओ सी डी, ओ सी डी इक्वल टू ओ सी बी, ओके। हैंस फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो रहा है हमारा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता था, ये कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। फ्रेंड्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना क्योंकि सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है। चलिए देख लेते एक बार। सेकंड पार्ट क्या था, सिमिलरली करना है। चलो मैं देख लेता हूँ ना एक बार, क्या है कि बी डी सिमिलरली, बी डी है ना वो एंगल बी डी को भी बाइसेक्ट करता है एंड बी को भी बाइसेक्ट करता है। सेकंड पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। मैं ट्राइंगल नंबर अब इसको वन मानता हूँ, ध्यान दें वन, अब इसको सेकंड मानता हूँ। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी सिमिलरली करना है, जैसे पहले किया हमने वैसे ही करना है। मैं समझा देता हूँ करना आपको है। देखो 90 डिग्री के सामने एक साइड और 90 डिग्री के सामने एक साइड, राइट। और ये कॉमन है, दैट मीन्स आर एच एस बाई आर एच एस क्राइटेरिया, है ना। इससे ना ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, क्लियर है। अब बाई सी पी सी डी कि ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर होगा, ए डी ओ इक्वल टू सी डी ओ, इज इट क्लियर? ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ सिमिलरली। क्या होता है सिमिलरली, में एंगल बी की बात करूँगा, इस ट्राइंगल को लूँगा फर्स्ट, इसको सेकंड मानूंगा। चलो अब की बार कुछ डिफरेंट लेते हैं, इसको थर्ड मानते हैं एंड इसको फोर्थ मानते हैं, है ना। तब सेम कंडीशन, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड, तब ये कॉमन है तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल इस वाले के एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए बी
ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, हैंस डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप ध्यान देंगे। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। बिल्कुल सेम फिगर बनाना है, बट इसमें रेक्टेंगल की बात की है। मैं बना देता हूँ, ये लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। चलो कोई नहीं, स्क्वायर जैसा लग रहा है बट रेक्टेंगल बनाया मैंने। अब बाइसेक्ट एंगल वन ए बी सी एंड डी, जो ए सी है ना वो बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर है। वन एंड टू मैंने मान लिया, थ्री एंड फोर मान लिया, तब गिविन है। ये सब कुछ आपको लिखना है बट मैं लिख देता हूँ कि एंगल ए एंड एंगल सी इज बाइसेक्टेड बाय डायगोनल ए सी। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब प्रूफ क्या करना है मुझे। फर्स्ट प्रूफ करना है मुझे कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्या स्क्वायर? सेकंड प्रूफ क्या करना है भाई, ये भी देख लो, दिख रहा है ना। चलिए सेकंड प्रूफ करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बोथ, जो अभी जस्ट प्रूफ किया हमने, एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। चलिए तो प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं मेरे बच्चे? जब गिवन है कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, और मैं ये जानता हूं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल गिवन है भाई इसमें, ठीक है। तब मैं ये भी जानता हूं कि जब ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। और जब ये पैरेलल होंगी तो ए सी मेरा ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब बेटा ध्यान दें, जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है तो एंगल थ्री और एंगल टू बराबर नहीं होगा क्या? चेक कर लो, थ्री और टू बराबर होगा, एंगल थ्री और एंगल टू बराबर होगा। और मुझे पहले से पता है कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, तो मेरे को ये पता चल गया ये दोनों बराबर हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। पहुँचते हैं फिगर में, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये क्या आइसोस्केल नहीं बन गया क्या? जब आइसोस्केल ट्राइंगल क्या कहता है कि दो ट्राइंगल जब बराबर होते हैं, दो एंगल, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। अब मुझे पता चला कि ए डी इक्वल टू बी सी तो था, बट अब ए डी इक्वल टू बी सी, सॉरी सी डी भी हो गया है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर था। ध्यान दें, ए डी ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी, यहाँ से करता हूँ, इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए बी, हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बात क्लियर है? चलिए हैंस प्रूव्ड। नाउ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूंगा। इसमें सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डायगोनल्स को ना बाइसेक्ट करता है, बी सी है ना, बी डी है ना, ये डायगोनल, ये एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो जरा एक बार ध्यान से देखो, पहले प्रूफ कर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है, करना आपको ये मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड प्रूफ की तरफ बढ़ दें बेटा, ये ध्यान दें कि ये जब पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, इक्वल भी है ये भी पता है, मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ। चलिए ध्यान दें, एंगल इसकी बात कर रहे थे कि
बी और डी को बाइसेक्ट दिखाना है, कैसे दिखाएंगे भाई? मैं एक फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल लेता हूँ, तो बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं कि हमने ये तो दिखा दिया ना, ये इसके बराबर है। फर्स्ट मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल सी बी, यहाँ पे ओ मानता हूँ है ना, सी बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी ओ, तब ए बी इक्वल टू सी बी। और मैं ये भी देख रहा हूँ ना कि ये वाली साइड बी ओ इक्वल टू ओ बी हो गया, एंड ये बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि क्यों बाइसेक्ट करेगा? जो रेक्टेंगल है ओ ए इक्वल टू ओ सी। हैंस में हमने देखा कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हुआ, कि सी बी ओ इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी ओ। जब ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो मैं देख सकता हूँ ना, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा भाई सी बी सी डी से। फोकस द वीडियो एंड नोट डाउन, और मैं आगे बढ़ता हूँ है ना। चलो इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, ठीक है ना, हो गया ना भाई सी बी सी डी से, बाई सी पी सी डी। अब चलते हैं आगे। सिमिलरली क्या करना है, ये भी एंगल हो जाएगा, ये दोनों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये डी ओ कॉमन है, दैट्स वाई ए डी ओ इक्वल टू सी डी ओ। हेंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, हेंस प्रूव्ड।